प्रणाम बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, अगले पाठ में हम पिछले पाठ में औरत से औरत पेज नंबर 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, पेज नंबर 27 कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा हो गया। अभी हम अम और आहा सीखे जा रहे हैं। हम और आहा, अच्छी ठीक बात, अच्छी बात बच्चों। ओके, देखिए पहले बार आप बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट बोर्ड पे देखिए। टीचर नेम, मेरा नाम आपको मालूमगा, दिस इज फातिमा, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पाठ हम और आहा सीखने जा रहे हैं बच्चों। जो आपको जो आवश्यकता होगी चीज़ों की वो है टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर। अब आपने टेक्स्ट बुक निकालिए, पेंसिल इरेजर और टेक्स्ट बुक लेके बैठना है साथ में। आज हम आम और आहा सीखने जा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आम, आम से अंगूर, आहा नम, आहा को देखो कैसे लिखना है, हम और आहा कैसे लिखना है आज सीखेंगे हम लोग। बोर्ड पर देखिए बच्चों, आम कैसे लिखना है हमको, इधर से स्टार्ट करना है, इधर से शुरू करना है, ऐसा कर्व लाइन, ऐसे सही रेखा और खड़ी रेखा, ये आम है बच्चों। ये आम यानी ऐसे लिखना है, ऊपर एक ही बिंदी आना है आम को। देखिए आप आहा कैसे लिखते हैं, रेखा खड़ी रेखा इधर चुनने लगा, इधर लिखा। देखिए आहा कैसे लिखना है, ऐसे इधर इधर, ये होगा आहा। आम आहा, इससे आने वाले शब्द पढ़ेंगे। सुनिए बच्चों, आपकी पुस्तक ले लीजिए, आम से अंगूर ग्रेप्स, आम से अंगूर ग्रेप्स, आम से अंगूर यानी ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर। अंगूर को इंग्लिश में, अंग्रेजी में ग्रेप्स कह देना। जोर से बोलकर पढ़िए, इसे जोर से बोलकर पढ़ना है। हम से अंडा, एग, इंग्लिश में एग बोल देना, एग खाते ना अंडा, उसे हिंदी में अंडा कहते हैं। अंक यानी नंबर्स, अंक यानी नंबर्स। अंजीर, फिग, FIG फिग, अंजीर ये खाते हैं ना बच्चों, आपको मालूम होगा ये तो फल है, इसे खाते हैं ना। हम से अंजीर, अंजीर, फिग, FIG फिग। अभी देखिए बच्चों, आहा से आने वाले शब्द आहा नम, नमने यानी रोज गॉड के भगवान को नम करते हैं ना, उसे नम कहते हैं। जोर से बोलकर पढ़िए। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये प्रातः यानी मॉर्निंग, सुबह को क्या कहते हैं, प्रातः काल बोलते ना, उसे मॉर्निंग कहते हैं। छे, छे, छे को देखिए बच्चों, ऐसा लिखे ना, इधर दो मात्रा है ना, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिक्स है, समझे ना, ये मात्रा है, ये बिंदी आने से आहा कहते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। हम से अंगूर, आहा से नम, प्रता छे, शन शन सी, देखिए शन शन, स्लोली स्लोली, शन शन यानी स्लोली स्लोली, टॉटाइज ये तामिल कैसे चलती है, धीरे से स्लोली स्लोली चलते ना, इसे चम करते हैं, समझ में आया बच्चों। ये और ये दो होमवर्क में लिखना है बच्चों, लिखिए राइट, ये आपको होमवर्क में लिखना है।
क्लास टेक्स बुक पर ही लिखिए, दो लिखना है। अब पेज नंबर 29 हो, खोलिए आप पेज नंबर 29 खोलिए, वो पुस्तक खोलिए। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं A H A, आहा ना, आहा। पेज नंबर 28 खोलिए बच्चों, पेज नंबर 28 ये देखिए अभ्यास। अभ्यास यानी एक्सरसाइज। हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं चित्र के नाम के पहले या अंतिम वर्ण पर गोला बनाइए। गोला यानी क्या? सर्कल लगाइए, इसको गोला कहते हैं। ये क्या है देखो, देखो बच्चों फर्स्ट भी, ये क्या है? ये चित्र को देख कर पहचानिए क्या है ये। ई फर्स्ट वन, ई आम, देखिए बच्चों कौन सा सही अक्षर है उसे उस पर गोला बनाना है, गोला लगाना है। हम ए देखिए छ, तीसरे क्या है बच्चों? अंगूर। ये क्या है बच्चों? ठीक है, वो से अक्षर से शुरू होता है हम आ, वो से अक्षर से ये चित्र को देखकर पहचानिए। ये चित्र क्या है बच्चों? हम से अंडा है ना, तो ई को पे गोला लगाना है, हम पे लगाना है, ए पे लगाना है, हम से अंडा। देखिए ये छह नंबर छह है ना, आहा की मात्रा में आ रहा ना छह, ये देखिए हम से अंगूर, ऐसे गोला लगाइए बच्चों, हो गया ना। मैं आशा करती हूँ सब आप सब मेरे साथ लिख रहे होंगे, और अब सेकेंड भी देखिए बच्चों, दूसरा अभ्यास देखिए। दूसरा अभ्यास चित्र को उनके नाम के पहले या अंतिम वर्ण से मिलाइए यानी मैच द फॉलोइंग। सेकेंड पीरियड बच्चों मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग है, ये चित्र को देखकर पहचानिए बच्चों क्या है। यहाँ पर दो चित्र है ना, देखिए पुस्तक में देखिए, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला या चौथा वाला है, चार चित्र है बच्चों। देखिए पहले चित्र में क्या है, देखिए प्रातः हम आहा, कौन सा चित्र किसमें आता है देखिए बच्चों, देखिए प्रातः काल, देखिए ये सूर्य, देखिए जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य ऐसे रहता है ना, हम इसमें सूर्य है ना, ये अंडा है, हम से अंडा, ये क्या है नंबर से, देखिए अंक है नंबर। बात चलिए बच्चों, और नीचे देखिए बच्चों
ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, इसे जोड़कर इसमें क्या करना है, रंग भरना है। ये भी होगा क्या बच्चों, ये भी होगा क्या, नीचे का भी ये होगा क्या, इसको डॉट्स को जोड़कर, बूंदों को जोड़कर इसमें कलर भरना है, रंग भरना है आपको। समझ में आया बच्चों? हाँ देखिए होमवर्क, देखिए बच्चों आज का होमवर्क क्या है, होमवर्क लर्न एंड राइट पेज नंबर 28 लिखिए। देखिए इसमें दो लिखिए है ना, ये लिखना है आपको और इसमें रंग भरना है। एंड पेज नंबर 29 कलरिंग, कलरिंग है ना, इसमें रंग भरना है बच्चों। ये डॉट्स को जोड़कर पहले चित्र बनाइए, उसके बाद इसमें रंग भरिए। क्या है देखिए, कोसा फल है और ये क्या है, इसको पहचान कर उसमें रंग भरना है। समझे ना बच्चों? अब बोलिए आम से अंगूर, आम से अंगूर अनार, अंगूर ग्रेप, दूसरा वाला है अंडा, अंडा यानी एग, अंजीर, पिक, फोर्थ में देखिए बच्चों आहार की मात्रा वाले प्रातः मॉर्निंग, देखिए बच्चों देखिए अंगूर ग्रेप्स GREPES, एग्जाम में आपको मीनिंग राइट मीनिंग इन इंग्लिश बोल तो ऐसे लिखना है, हम हिंदी का वर्ड जैसे कर दिए तो उसके मीनिंग आपको अंग्रेजी में लिखना है, अगर टीचर अंग्रेजी में लिखे तो आपको हिंदी में लिखना है बच्चों। राइट मीनिंग इन इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश के ये लिखना है, राइट मीनिंग इन हिंदी यानी मैं ग्रेप, मैं ग्रेप दिए तो आप अंगूर लिखना है। समझ में आया ना बच्चों? अंगूर GREPES ग्रेप, हाथ बनिए सब, हाथ बनिए कोटी तब देखिए अंगूर, आप उनकी मात्रा उनकी मात्रा र, अंगूर GREPES ग्रेप्स, अंगूर GREPES ग्रेप्स, अंडा EGGN, आपको अपनी मात्रा ढा को अपनी मात्रा ढा, अंडा EGGN, आपको अपनी मात्रा ढा को अपनी मात्रा र, अंजीर पिक, अंजीर पिक FIG पिक, प्रातः मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, प्रातः मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, प्रातः MORNING मॉर्निंग, SIX किसे बोले बच्चों? अंगूर GREPES ग्रेप्स, अंगूर GREPES ग्रेप्स, अंडा EGGN, अंडा EGGN, अंजीर FIG पिक, अंजीर FIG पिक,
टाटा मॉर्निंग एम को आर एन आई एन जी मॉर्निंग टाटा एम को आर एन आई एन जी मॉर्निंग एस आई एच सिक्स एस आई एच सिक्स। समझ में आया ना बच्चों? होमवर्क देखिए एक बार फिर से। होमवर्क लर्न लाइक पेज नंबर 28 पे लिखिए राइट। देखिए इस मेहंदी में ना लिखिए राइट, दो दो ही लाइन है इसमें लिखिए आप, इसको डॉट्स को जोड़कर नीचे की लाइन में लिखना है, ऊपर जैसा है वैसे ही आप आहा के भी ऐसे लिखना है। और पेज नंबर 29 ये चित्र को ये बूंदों को जोड़कर इसमें रंग भरना है, इसे और इसे, ये दो आपके होमवर्क है बच्चों। फिर एक बार देखिए आम आहा कैसे लिखना है, आम कैसे लिखना है ऐसा आम ऊपर बिंदी आना है बच्चों। आहा आहा ऐसे लिखना है। समझ में आया ना बच्चों? कुछ कंफ्यूज है? नो। मैं आशा करती हूँ कि टीचर जो कह रहे हैं वो आप लोग घर में फॉलो कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं ना बच्चों? हाँ लिख रहे हैं ना नोट्स, हम नोट्स भी जाए ना उसमें पूरे नोट्स कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप होमवर्क नोट डाउन होमवर्क ले लीजिए पहले, होमवर्क डेली होमवर्क कर रहे होंगे ना बच्चों आप लोग, डेली होमवर्क है आप लोग, जब भी वीडियो आ रहा है उसके साथ होमवर्क आ रहा, वो होमवर्क कंप्लीट करना है और क्लास वर्क भी जा रहे हैं, क्लास वर्क का भी कंप्लीट करना है आपको। ओके ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, बाय।